बहुत न्यूट्रिशन है यार। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अशोक अशर और मैं हूँ अशरया। तो इस टाइम ना लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक चल रहा है, हमारी दाढ़ी मुझो की ना वाह है और हमारी बैंड बजी पड़ी हुई है, ऐसा कहना लड़कों का है और थोड़ा बहुत ना हम लड़कियाँ भी कहते हैं क्योंकि हमारे भी तो अपर लिप्स होते हैं, फेशियल हेयर वगैरह होते हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता आपके हो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारे हैंड्स की फिंगर की सारी उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, उसी तरह हमारी फैमिली के भी सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सबके ना बाल थोड़े बहुत अधिक और कम होते हैं। तो बिना ज़्यादा टन के आज हम फेशियल हेयर रिमूव करेंगे, बहुत ही नेचुरल तरीके से हम फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं, पार्लर वगैरह जाने की झंझट से हम बच जाएंगे। आप हमेशा पार्लर वगैरह जाते हो ना अपने फेशियल हेयर अपर हेयर्स को रिमूव करने के लिए, तो बिना ज़्यादा टन के आज ही वाली रेमेडी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस वाली रेमेडी को शुरू करते हैं। लेट्स बनाने के लिए हमें लेने हैं 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, आपको भी कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, तो 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। उसके बाद ऐड करने हैं आपको 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, एंड देन सिंपली इसको वाटर की हेल्प से इसको मिक्स कर लेना है, काफ़ी मोटा सा पेस्ट बनाना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पेस्ट बनाना है, काफ़ी थोड़ा पतला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक कढ़ाई रखेंगे गैस पे, उसका फ्लेम काफ़ी लो करेंगे, इस तरह से आप उसको गाढ़ा 3 मिनट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसके बाद उसको निकाल लें। सिंपली हम बढ़ते हैं अपने प्रोसेस में। सबसे पहले आपको करना क्या, जहाँ पर आपको फेशियल हेयर रिमूव करना है वहाँ पर आपको यूज़ करना है कोई भी डाल, यहाँ मैंने नवरत्न कूल डाल यूज़ किया है। कूल पाउडर लगा लें कॉटन की हेल्प से, आपको वहाँ पर इसको लगा लेना है। उसके बाद अपना पेस्ट लेना है और उसको सिंपली मोटी सी लेयर चारों साइड लगानी है, जैसे मैं यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा मोटा ही लगाएं। कुछ इस तरह से आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है, जहाँ भी आपको फेशियल हेयर रिमूव करने हैं वहाँ पे लगाने हैं, इतने एरिया में आपको लगाना है। और उसके बाद 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। आप देखेंगे उसके बाद कुछ पपड़ी जैसी हो जाएगी और सिंपली छोटे छोटे टुकड़े में स्ट्रोक में आपको इसको निकालना है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रोक और टुकड़े में मैं निकाल रही हूँ, और सच बताऊँ तो इसमें बाल भी मेरे निकल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है। हाँ भाई, थोड़े बहुत दर्द तो होते ही हैं, हम वैक्स वगैरह ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट इसमें भी ना दर्द होते हैं। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं निकाल रही हूँ और थोड़े बहुत दर्द तो आप देख ही सकते हैं मेरे फेस के एक्सप्रेशन से कि दर्द तो भाई लाजमी है, इतना कुछ कर रहे हैं हम बिना जेलेटिन के फेशियल हेयर को रिमूव कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत दर्द तो हमें सहने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके फेशियल हेयर काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव हो गए हैं। अगर थोड़ी बहुत भी हिचिंग आपको रहती है ना, तो उसके लिए ये है फॉर्मूला, आपने लेना है एलोवेरा जेल और गुलाब जेल, दोनों को ही मिक्स करके ना कॉटन में लगाना है, और उसके बाद जहाँ भी आपको हिचिंग हो रही है फेशियल हेयर की जगह पे जहाँ पे आपने रिमूव किया था वहाँ पे इसको सिंपली लगा लेना है, एंड दैट्स इट, आपकी सारी हिचिंग्स वगैरह दूर हो जाएंगी। इसमें इसको 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई करें, एंड दैट्स इट, यू आर डन। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, ये वाली रेमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। थोड़ा बहुत दर्द तो सबको सहना पड़ता है, थोड़े बहुत दर्द सह के ना हम बिना जेलेटिन के अपने अपर लिप्स हेयर फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। और मेरे बाल ना उजड़े जमन जैसे लग रहे ना, हेयर ऑयलिंग की है मैंने, किस तरह से की है, किस तरह से आपको हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए वाला वीडियो ना जल्द ही आने वाला है। मैं अपनी वीडियोज़ को खुद ही प्रमोट करी हूँ, क्या करूँ, कोई कर ही नहीं रहा है प्रमोट। आपको मिल सकता है कि सुनहरा मौका मेरी वीडियो को प्रमोट करने का, कैसे आप शेयर कर सकते हैं इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। की बारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और मेरी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं बनना चाहते हैं तो सबको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या होगा ना, आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की ना लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, मेरे और आपके बीच ना कनेक्शन की कोई दूरी नहीं रहेगी। और मुझ तक ना नोटिफिकेशन पहुँचाने के लिए कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, बाय बाय।